प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दंतहीन, नखहीन और जो कुछ भी थे उस पर बात यह है कि शराब घोटाले के मामले में 177 दिन से बंद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार रिहाई मिल गई जमानत के तौर पर। यूं तो जमानत उन्हें ईडी की तरफ से दर्ज केस के संदर्भ में पहले ही मिल चुकी थी, पर सीबीआई ने भी उसी मामले में केस दर्ज कर लिया था। ईडी की रिहाई मिली तो सीबीआई की गिरफ्तारी हिस्से आ गई। अब सीबीआई के मामले में भी कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के साथ ही जहां एक और आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय की जीत, कानून की जीत के रूप में परिभाषित किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक आरोपी को जमानत भर मिली है, इस पर बल्लियां क्यों आम आदमी पार्टी उछल रही है। कुल मिलाकर एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता जमानत पर बाहर आ गया है, ये भाजपा की पहली प्रतिक्रिया है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेता, जिनमें शरद पवार से लेकर कई नामचीन नाम शामिल हैं, उन सबका कहना यह है कि ये बताता है कि इस देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर अरविंद केजरीवाल को जमानत 5 शर्तों पर मिली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बतौर मुख्यमंत्री उनके पास काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो इस दौरान ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जमानत के संदर्भ में तो दो जजों की जो पीठ थी एक राय रही कि जमानत दी जानी चाहिए, पर गिरफ्तारी को लेकर पीठ का स्वर अलग अलग आया। जहां जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी को नियमों के तहत करार दिया, वहीं दूसरी ओर जस्टिस उज्जवल भुइया के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह व्यक्त किया गया कि ये गिरफ्तारी जायज नहीं थी। उज्जवल भुइया ने अपनी टिप्पणी यहां तक की कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह व्यवहार करने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह हमारे लिए शोध का विषय है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का एक ही मुद्दे पर अलग अलग इस प्रकार का बयान आना क्या देश में एक अलग किस्म के वातावरण का निर्माण नहीं करता है। दूसरा जानना विषय यह है कि अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से जमानत पर बाहर आ जाना क्या देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालेगा। क्या आम आदमी पार्टी, जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमती है, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ फिर से मैदान में दिखेगी। क्या अरविंद केजरीवाल की हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले रिहाई हरियाणा के चुनावों पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को कुछ बेहतर करेगी। तो ऐसे बहुतेरे सवाल हमारे सामने हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विपक्ष का जो यह आरोप रहता है कि सत्तारूढ़ दल एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को कुतरने की या खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या इन आरोपों की तासीर और तेज हो जाएगी, तो इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मानवीर छिल्लर है, जिस आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो रिया हुए हैं उसके प्रतिवक्ता के तौर पर हमारे साथ है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जब भी ऐसे विचारपरक विषय होते हैं हम सुरेंद्र राजपूत जी को याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है सुरेंद्र राजपूत जी, किस रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे जानने में हमारी दिलचस्पी है भाजपा के प्रवक्ता से, पर कानूनी पहलुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ और चर्चित अधिवक्ता कपिल साकला जी लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मानवीर छिल्लर से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डालेंगे। एक बार देखिए ये बयान। सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है,
इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो मनवीर जी, सवाल यहीं से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है इतने गंभीर किस्म के आरोपों में आप पहले जेल में बंद थे तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, अब इस किस्म की जमानत की शर्तों के साथ आप बाहर आए हैं, ना आप साइन कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना कोई फैसला ले सकते हैं, तो अब तो कम से कम पद छोड़ दीजिए, इतनी तो गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी की। क्या उम्मीद करें, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की भावनाओं का कुछ सम्मान वम्मान आप करोगे कि नहीं करोगे? देखिए हिमांशु जी, देखिए सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा मामला बिल्कुल फर्जी है, झूठ के पुलिंदे पर है, और इस चीज में आज कोर्ट में भी कुछ टिप्पणियां हैं जो सामने आई कि जो सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल उनकी मंशा गिरफ्तारी की सिर्फ ये थी कि किसी तरह केजरीवाल जी को अंदर जेल में रखा जाए। रही बात नैतिकता की, तो नैतिकता बंजारू लक्ष्मण की पार्टी से हमें नैतिकता सीखनी पड़ेगी। क्या ब्रजभूषण के समय इनकी नैतिकता कहां चली जाती है? तो आप ये बताइए कि ये नैतिकता का कौन सा पैमाना इनका है ये जो दूसरों के ऊपर करना चाहते हैं। इसके साथ ही देश चलता है संविधान से। आज अरविंद केजरीवाल जी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए, प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के जी। इन्होंने कोर्ट में अर्जियां लगाई, इनके ऊपर जुर्माना भी हुआ है इनके वकीलों के ऊपर या इनके जो भी पार्टी के लोग थे कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। खुद कोर्ट ने कहा है कि वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और किस लिए इस्तीफा दे? किस क्या किसी झूठे केस के आरोप के तहत इस्तीफा दे दिया जाए? ये क्या सही है? दिल्ली के लोगों ने चुना है और इस बात पर बार बार मोहर लगाई है। कथित शराब घोटाले के बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था और बीजेपी में को एमसीडी से दिल्ली की जनता ने बाहर किया और केजरीवाल सरकार को एमसीडी में जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही आप ये देखिए कि बीजेपी ये इन प्रकारेन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को, उसके नेताओं को बदनाम करने की साजिशें रच रही है। आप संजय सिंह के मामले में देख लीजिए कि कैसे संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की थी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल रही है। ईडी के केस में जमानत का अर्थ ही अपने आप में बेगुनाही है, क्योंकि उसमें इतने स्ट्रिक्ट क्लोज है कि जमानत सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है जिसमें ये दिखता है कि वो उस आरोप में संलिप्त नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से तय होता है। इसके साथ ही सीबीआई के मामले में जो आज कोर्ट की टिप्पणी है, उस चीज को भी देखिए कि क्या पैरेट केज की तरह एजेंसियों का उपयोग नहीं किया जा रहा देश में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि देश में देश किसी ईडी सीबीआई या किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और इस देश में हर नागरिक की रक्षा का कवच है हमारा संविधान। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर मानवीर शिल्लर जी, आप बार बार आज के आदेश और आज के आदेश का हवाला दे रहे हो। आज के आदेश में दो जज थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया। जस्टिस सूर्यकांत जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी वैध है, जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से किसी अन्य मामले में हिरासत में है। तो उज्ज्वल भुइया ने गिरफ्तारी के संदर्भ में आपत्ति जताई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस गिरफ्तारी को जायज ठहराया। तो एक तो मामला यह है, और इस्तीफे की बात इसलिए आ रही है जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, जिस नियम कायदे कानून का हवाला दे रहे हैं। देखो आपके माननीय जो अरविंद केजरीवाल है ना, वो तो सेवा के लिए ही आए हुए हैं राजनीति में, मेवा खाने के लिए तो आए नहीं है। आप लोग हमेशा बताते हो सेवा का अवसर उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते, आप सचिवालय में जा नहीं सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। तो भाई केजरीवाल पदलोलुप कब से हो गए? आम आदमी पार्टी को पद के संदर्भ में वो कब से हो गया? जब उस दायित्व का निर्वहन आप कर नहीं सकते कोर्ट के प्रतिबंधों के चलते, जिस कोर्ट को आप सर्वोपरि मान रहे हैं, जिस संविधान को आप सर्वोपरि मान रहे हैं, तो उस पद को छोड़ क्यों नहीं देते? किसी अन्य को मौका क्यों नहीं देते? या आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं से अरविंद केजरीवाल क्यों इतना डर रहे हैं कि अगर कोई और मुख्यमंत्री बन गया तो मेरा क्या होगा? ऐसा तो नहीं है। देखिए सारा षड्यंत्र ही यही है कि किसी तरीके से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनको इसी षड्यंत्र के तहत तो फंसाया गया है। इस षड्यंत्र का ही जवाब आज सुप्रीम कोर्ट से मिला है,
और समय समय पर आपने पहले भी देखेंगे हमारे सीआरए सीनियर नेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, केजरीवाल जी को हटाने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए, आम आदमी पार्टी की ताकत को कम करने के लिए असंवैधानिक तरीके से दिल्ली में राजनीतिक शक्ति लोग कार्यपालिका की शक्तियां छीन ली जाती है, उनके ऊपर एक ऐसी सिस्टम को पैरालाइज करने की कोशिश की जाती है। तो ये स्पष्ट रूप से आप ये देखिए कि ये क्या मंशा है बीजेपी की, क्या मंशा है, क्यों संघीय ढांचे में क्यों विश्वास नहीं है बीजेपी का, क्यों वो चाहती है आगे चलता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में। आप बार बार कह रहे हो कि कोर्ट ने आज हमारी मदद की, कोर्ट ने आपकी मदद की या भाजपा की मदद की? भाई कोर्ट ने तो प्रतिबंध लगा दिया केजरीवाल काम नहीं कर सकते, इसमें आपको अपनी मदद कैसे दिख रही है? देखिए कोर्ट से न्याय मिलता है, समय समय चरणबद्ध तरीके से न्याय मिला है। आप देखेंगे कि नीचे के लोअर कोर्ट में जब जमानत रद्द हुई तो बोले कि नीचे के कोर्ट में अगर आप आरोप नहीं है और आप बेगुनाह हो तो जमानत क्यों नहीं ले लेते, फिर जमानत मिल गई तो आज आप कह रहे हैं कि कंडीशनल बेल है। अरे भाई कंडीशंस के लिए भी तो हम अपील कर सकते हैं ना कोर्ट में, उन कंडीशंस को भी दूर करा लेंगे, फिर बाद में बेगुनाह होकर भी निकलेंगे। समय दीजिए, संयम रखिए, सब होगा इस देश में, न्याय होगा, ये देश संविधान से चलेगा, किसी ईडी सीबीआई या बीजेपी की सरकार जो है। संयम रखिए, समय दीजिए, डॉक्टर मानवीर छिल्लर जी का यह कहना है। सुरेंद्र राजपूत जी का इस मामले में क्या नजरिया है? भाजपा तो इसी आंसले पर हमलावर रहती है कि भाई हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, शिकायत तो कांग्रेस के नेता सम्माननीय अजय माकन ने की थी, उस पर पूरी कार्रवाई हुई है, कांग्रेस के द्वारा की गई पहल पर अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए जेल में पहुंचे हैं, और खम में भाजपा को दोषी ठहराते हैं। इतना मासूम सा बयान भाजपा के नेता देते हैं। सुरेश राजपूत जी, इस मासूमियत पर आप कितने फिदा रहते हैं? वो कहते हैं ना, कितने मासूम लग रही हो तुमको, जो जालिम कहे वो झूठा है। ये भाजपा वाले तो क्या कह सकते हैं? देखिए, हमने कहीं कोई बात कही, हम उस पर स्टैंड भी करते जी, लेकिन हम तो ये तो नहीं कह रहे थे कि अनंत काल तक जांच चलाइए जी, हमने तो ये तो नहीं कहा था कि आप एक चार्जशीट दीजिए, फिर दो चार्जशीट दीजिए, फिर तीन दीजिए, फिर चार दीजिए, फिर पांच दीजिए, छह दीजिए, सात दीजिए। सात चार्जशीट लगी है इसमें जी। भाई आप छह महीने में, दो महीने में, बड़ी सक्षम जांच एजेंसी है, हजारों केस करती है, एक भी केस प्रूफ नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, ये हमने ये तो नहीं कहा था कि जब ईडी वाले जमानत दे दें तो सीबीआई वाले आकर के पकड़ ले। देखिए दो क्या नाम हिमांशु भाई, तीन चार चीजें बहुत स्पष्ट है जी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि आरोपी को अपराधी बना दिया, और आरोपी को अपराधी बनाओ, और आप क्या नाम, आपकी बात तो नहीं करूंगा लेकिन नोएडा चैनलों के साथ मिलकर के उसको सजा पे, फांसी पे टांग दो, अदालत जब सजा देगी देगी, उसका चरित्र हनन कर दो, खत्म कर दो, उसकी राजनीतिक हत्या कर दो। ये बहुत गंभीर चलन है, इस चलन में किसी दिन आप भी आओगे और हम भी आएंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं साफ साफ, ये जो क्या नाम विशिष्ट लोग भी बैठे हैं ना, पत्रकार भाई हमारे या भाजपा के नेता भी, वो भी आएंगे एक दिन, कि आरोप लगाओ, आरोप को अपराध बनाओ, और अपराध बना करके उसको नोएडा चैनलों के द्वारा फांसी पे टांग दो, उसके चरित्र की हत्या कर दो, और उसके बाद जब वो ठीक ठाक छूट करके आ जाए तो फिर कह दो अब नया किस्सा आ रहा है, नया केस आ रहा है, कानून ने अपना काम कर दिया। वो 17 महीने, वो 17 दिन या वो 171 दिन, उसको वापस नहीं कर सकते ये लोग। भाई आप, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि जमानत व्यक्ति का अधिकार है, आरोपी का अधिकार है, और जेल अपवाद है। तो ये ईडी वालों को कौन सी नई चीजें सूझी हुई है कि साहब जमानत अपवाद है, जेल अधिकार है? एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, अब ये व्यवस्था तो माननीय चिदंबरम जी की दी हुई है, और चिदंबरम जी की दी हुई है तो सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी की दी हुई है। ये ईडी के संदर्भ में जितने भी ये नियम कायदे प्लस कानून है ना सुरेंद्र राजपूत जी, वो इस देश को आपकी सरकार के दौरान ही प्राप्त हुए हैं। ये उस समय पर चिदंबरम जी ने सोचा होता तो चिदंबरम जी को भी जो है इसी कानून के तहत वो 50-55 दिन नहीं गुजारने पड़े होते। क्या कहते हो आप?
हिमांशु भाई, मेरे ख्याल से आप जैसा सुधी पत्रकार ऐसी बात कहे तो समझ नहीं आती। ये नोएडा चैनल के वो जो चिल्ला चिल्ला के वो जो भी बात जो है ना अपने खिलाफ सुनाई देती है उसके संदर्भ में समझ में क्यों नहीं आती है भाई? एक तर्क है, आप तर्क के साथ बात करो ना, व्यक्तिगत क्यों जा रहे हो भाई? अगर मेरी बात गलत है, मैंने उल्लेख गलत किया, तो आप उसके संदर्भ में बताओ कि देखो आप ये गलत बात कह रहे हो, इतना व्यक्तिगत क्यों हो जा रहे हो आप? कह रहा हूं सर के मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो तर्क है ही नहीं ना सर, यही तो मैं आपसे व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई एक आधा पैरा छूट गया आपसे, तो तर्क है ही है क्या? 2018 में पीएमएलए को पीएमएलए के कानून में जो है संशोधन किया है भाजपा ने, हमने नहीं किया जी। पहले जमानत मिल जाती थी, ठीक है ना, जमानत को रेयर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जी। इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ये ईडी तो हमने दी, इसके कानून हमने दिए, एमपीएमएलए कोर्ट हमने, पीएमएलए कानून हमने दिया, लेकिन इसमें जो धाराएं इन्होंने वो करी ना कि आदमी को जब तक जज अपने आप को ये कन्विंस नहीं हो जाए कि वो आदमी निर्दोष है इस तब तक जमान, अरे वो जज अगर कन्विंस हो जाएगा ये आदमी निर्दोष है फिर तो केस ही खत्म हो जाएगा भाई साहब जी। और ये हमने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने इसका विरोध किया था जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और कोई बात नहीं जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ये मेरा आपसे वो है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं कि साहब एक टाइम बाउंड नहीं करते। तीसरी बात अगर आप देखें 50-50 घंटे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, हेमंत सोरेन को, इसके बाद आप अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को लगातार आप कहना क्या चाहते हो? आज आपने कभी दुनिया में देखा था, जीवन में देखा था कि मानहानि के केस में 2 साल की सजा आपने कभी सुनी हो? कोई एक केस हो जब से मानहानि कानून बना था, जब से आज तक कोई एक केस हो? हिमांशु भाई बता दो, आप तो सुधी पत्रकार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन नहीं दिया कि भाई 2 साल की जगह 1 साल 11 महीने नहीं दे सकते थे आप? नहीं दिया अब यह ऑब्जर्वेशन? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि क्या नाम, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको पिंजरे का तोता बना रखा, हमारे ऊपर तो बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खाली कहा था, लिखित नहीं किया था। आज तो लिखित दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि आप पिंजरे का तोता बना के रखे हो क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि गुजरात की अदालतों से बड़े आश्चर्यजनक फैसले आ रहे? नहीं कहा? अगर आप नहीं कहा तो आप मुझे बता दो। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भय डर का शोषण का माहौल बना रही है उसके खिलाफ ये बड़ी जीत है। अब आपने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि 2 जजों में मतभिन्नता थी कि साहब वो बेल को देने के, एक ने कहा सीबीआई की हिरासत वैध है, एक ने कहा अवैध है। तो 2 जजों में मतभिन्नता होगी, इसीलिए 2 जजों की बेंच रखी जाती है, 5 जजों की। मतभिन्नता होना तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मतभिन्नता में कहां दिक्कत है? लेकिन बेल पर तो दोनों लोग सेम आर्ग्यू कर रहे थे ना, बेल तो दी ना दोनों ने, अवैध और अवैध की बात आप अपनी कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसको कह सकते हैं, ये सारी चीजें क्यों पकड़ना चाहती? भारतीय जनता पार्टी अपनी हार क्यों नहीं मानती? भाजपा अपनी हार क्यों नहीं मानती? सुरेंद्र राजपूत जी आपका यह सवाल है, पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो भाजपा मांगती है इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? एक मुख्यमंत्री जिसके पास अभी फैसले लेने का अधिकार नहीं, एक मुख्यमंत्री जिसके पास कार्यालय जाने का अधिकार नहीं, एक मुख्यमंत्री जिस पर फाइल करने का अधिकार नहीं, उसको पद पर क्यों बने रहना चाहिए? कांग्रेस तो स्वयं सेवा त्याग समर्पण का एक लंबा इतिहास रखती है, क्या मानते हैं आप? रहना चाहिए अरविंद केजरीवाल को पद पर या भाजपा की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए? 2000 नहीं, काहे को भाजपा की इच्छा? भाजपा हमारी बाप लगी है क्या? आप बताओ, जनता की बाप है भाजपा? लोकतंत्र से चुनी हुई भाजपा आई है, लोकतंत्र से चुने हुआ आप पार्टी आई भाई, उनका अपना निजी मत है जिसको वो चाहे मुख्यमंत्री बनावे, और जब उसमें कानूनी कोई दिक्कत नहीं है तो नैतिकता की, तो नैतिकता को तो तार पे पर भी हंसी आएगी। आज की डेट में नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी ने तार तार करके टांड पे रखवा दी। अगर नैतिकता की बात कर रही होती भारतीय जनता पार्टी तो क्या नमस्ते ट्रंप कर रही होती? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार 2020 में गिरा रही होती जब पूरे देश में कोरोना आ रहा था?
नैतिकता की बात कर रही होती सारे विधायक लेकर के बंबई कर्नाटक के चली गई होती, नैतिकता की बात कर रही होती तो हरीश रावत की सरकार गिरा करके 9 विधायक दिल्ली में लेकर के बैठी होती, नैतिकता की बात कर रही होती मणिपुर में मात्र 2 विधायकों में अपनी सरकार बना रही होती, ये नैतिकता है? नैतिकता की बात कर रही होती भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल, वो कहता मैं ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्या वो वायस राय का प्रतिनिधि हो गया है क्या वो राज्यपाल? नैतिकता की बात कर रहे होते तो तमिलनाडु में कोई भी कोई वो कानून पास करें उस कानून को जो है वो जो रवि है क्या नाम राज्यपाल इनका एजेंट प्रोवोकेटियर वो क्या नाम अपने जेब में रखे होता? नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी हिमांशु भाई। तो नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी ने तार तार करके ताड़वर रख दी है, वो भाजपा कहां नैतिकता के संदर्भ में दुहाई दे रही है? अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार के मुखिया है, क्यों इस्तीफा दे, ये सुमेर राजपूत जी की दलील है। मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहता हूं कपिल साकला जी के पास, क्योंकि मुझे इस जमानत संबंधी आदेश के संदर्भ में आए हुए फैक्ट्स पर बात करनी है। और कपिल साकला साहब आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो आदेश आया है इसे दोनों पक्ष अपनी जीत के रूप में बता रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी और इधर आम आदमी पार्टी या विपक्ष। आप तो कानूनविद हैं, आप बताओ कि जीता कौन हारा कौन? सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की टिप्पणियां अपने आप में मुझे असमंजस में डाली हुई हैं कि इस मुकाम पर पहुंचकर भी विरोधाभास आदेश में साफ दिख रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं गिरफ्तारी जायज है, जस्टिस उज्जवल भुइया कहते हैं कि गिरफ्तारी गलत है, और जस्टिस भुइया ने तो गिरफ्तारी पर तो आपत्ति जताई ही जताई, जिन शर्तों पे जमानत दी जा रही है उन शर्तों को लेकर भी अपनी असहमति व्यक्त की है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना कपिल साकला साहब, देश में नजीर क्या स्थापित हो रही है कानून के संदर्भ में, व्यवस्था के संदर्भ में? पहली बात तो डॉक्टर साहब आप मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट में हो, जिस तरह से आप मजाक कर करके लोगों की टांग खींचते हो बहुत मजा आता है। मुझे डर है कि जो मैं बोलूंगा, मुझे आजकल डर लगता है कि आम आदमी पार्टी ये सोच रही होती है कि मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ कानून के साथ हूं इसलिए वही बोलूंगा, तो इससे बुरा ना मानो जी। देखिए जब किसी को बेल मिलती है तो बेल के कंडीशंस अलग होते हैं और वो इनोसेंस और नॉन इनोसेंस में नहीं जाती है जी। तो जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अरे बेल मिल गई हम तो निर्दोष है, तो मुझे जेन्युइनली बहुत ठेस होती है एज अ लॉयर, मैं सोचता हूं आप क्या कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए बेल इज द रूल, जेल इज नॉट द रूल, इज एन एक्सेप्शन, बेल नॉट जेल, आप उसको ईडी पीएमएलए केसेस में लेकर आ गए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से बहुत खुश हूं, क्योंकि एज अ डिफेंस लॉयर मैं खुद बहुत हैरानी में रहता हूं, बहुत तकलीफ में रहता हूं जब मैं बेल आर्ग्यू करने जाता हूं और जजेस ने बोलते हैं पहले ट्रायल शुरू हो जाने दीजिए देखते हैं क्या होगा। हमें भी मालूम होती है ये जो सीबीआई होती है, ये जो ईडी होती है ना जी, इन्होंने बेसिकली जो ट्रंक्स का बिजनेस है वो सिर्फ इनके बलबूते चल रहा है, वो जो बड़े बड़े स्टील के ट्रंक होते हैं वो सिर्फ इनके बलबूते चल रहे हैं। मोटी मोटी चार्जशीटें आती है, 5-5, 6-6 विटनेस, 30-30,000 पेनों की चार्जशीट लेकर आते हैं ये, तो ये हमें भी मालूम होता है कि 14 साल का वनवास होते हैं, केस लंबा खींचेगा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार इससे अच्छा एक अच्छे से दरोगा को ले लेते, कहीं सब इंस्पेक्टर को बहुत अच्छा टाइट सा केस बनाता, 12-15 विटनेसेस स्ट्रांग रखता, ना कोई विटनेस टूटता, गारंटीड होती भैया। पर सीबीआई का अपना तरीका, ईडी का अपना तरीका है, हम क्या बोले, हम तो डिफेंस के लॉयर हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी इनोसेंट है, मुझे तकलीफ इस बात से होती जी। मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि बोलते हैं कि आज जज साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया, ये कह दिया कि भैया आप तो निर्दोष हो, ये कहीं नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला जी। देखिए 2 जजेस एक लेजिस्लेचर पे इंटरप्रिटेशन दे रहे, कोर्ट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, वो सरकार का काम है, पर लेजिस्लेचर की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकती है कि हमारे मतलब से इसको इस नजर से देखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन उठा गया था, सूर्यकांत साहब ने बोला जिस सब आर्ग्यू हुआ था कि 41A मतलब कि अरेस्ट करने का क्या तरीका है और क्या उसके लिए नोटिस देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस पे एक आर्ग्यूमेंट हुई और जज साहब ने यह बोला कि मैं 41 और 41A के आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें कोई मेरिट नहीं है। तो वहां पे ये बोल देना अरे अरेस्ट ही इलीगल था, ये तो गलत हो गया। ये अलग बात है कि दूसरे जज साहब ने जो आर्ग्यूइंग काउंसिल की इस बात पे कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट था, बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा उन्होंने कि जी ये इंश्योर करना चाहते थे कि एक केस से निकलते ये दूसरे केस में फंस जाए, इस वजह से इनको अरेस्ट करा गया। टाइमिंग की बात करेगी कि 22 महीने के अरेस्ट नहीं करने की जरूरत थी, अब अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी।
आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया है, बात एकदम साफ है, परंतु उसमें यह बोल देना कि अरेस्ट ही इलीगल है गलत है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब एक बड़े आदमी को कोई मैटर में रिलीफ मिलता है ना, तो मैं ये मानता हूं कि चलो इसकी वजह से कुंडा खुल गया, लॉ क्लियर हो गई, बाकी जो आम आदमी है जो ऐसे केस में फंसे हुए हैं उनको भी फायदा हो जाएगा। तो पहली बात तो मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कि केजरीवाल साहब नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे खास हैं, उनको उनके लिए ये लॉ बन गया। ये उनके लिए लॉ नहीं बना है, ये सबके लिए बना है। और अगर सबके लिए नहीं बना तो मैं ये बोलूंगा फिर ये जजमेंट गलत है, क्योंकि अगर एक आम आदमी को ये बेनिफिट नहीं कर रही तो ये किसी काम की नहीं। अब हो गई दूसरी बात जी, बेल क्यों मिली? बेल इसलिए मिली, सबसे पहली बात मिली पैरिटी। पैरिटी का मतलब है कि जो बाकी अक्यूज थे उन सबको बेल मिल गई, तो जी मुझे भी बेल मिल जानी चाहिए, मैं भी सिमिलरली सिचुएटेड हूं। दूसरी इस बात तो हुई कि देखो जी चार्जशीट बहुत बड़ी है, अभी चार्जशीट फाइल हुई है, 500-550 गवाह हैं, ये तो सालों साल मैटर चलेगा, मुझे बेल मिल जानी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट सीबीआई के हर केस में करी जाती है और जजेस इस बात को बहुत तवज्जो देते हैं, कहते भैया चार्जशीट फाइल हो गई है, अब आपको अक्यूज की जरूरत नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनको बेल क्यों ना दी जाए, ये हर जज साहब पूछते हैं, वही आर्ग्यूमेंट यहां पे भी हुई, तो कोई बहुत खास बात नहीं हुई है। खास बात यह हुई है कि एक पीएमएलए के केस में जहां पे जो इनको जेल हुई थी उसमें 5 grounds पे इनको बेल दे दी गई। आज जज साहब ने यह बोला कि जब मेन जो स्ट्रिंजेंट कंडीशन वाला केस था अगर उसमें बेल दे दी जाती है तो प्रेडिकेट ऑफेंस जो छोटा ऑफेंस है जिसकी वजह से निकला है जो सीबीआई का केस है इसमें बेल क्यों ना दी जाए, हम बेल दे देते हैं। ये एक ऐतिहासिक बात हो गई कि भैया अगर मेन केस जो बड़े वाला केस है उसमें अगर बेल हो जाए तो जिस केस से ये निकला है उसमें बेल दे जानी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। तो अगर आपके प्रवक्ता इस बारे में बात करते मैं जरूर हाँ में हाँ मिलाता कि हाँ जी ये बहुत बड़ी बात है, बड़े ऐतिहासिक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें खुशी हुई। मगर अगर ये बोला जाए कि भैया चार्जशीट ही गलत है तो ये तो बिल्कुल ही बेबुनियादी बात हुई। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब वो ये है कि जो 5 conditions थी जिनके बारे में ये बोल रहे हैं हम चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज क्यों नहीं कर सकते, भैया ये जो conditions थी ये आपके पीएमएलए केस में थी, उस केस में इन grounds पे आपको बेल दी गई। जज साहब ने कहा मैं वही वाली conditions यहां पे रीटरेट कर रहा हूं, जब आपने उसको चैलेंज नहीं करा तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप क्यों बोल रहे हो ये मतलब ये जो मार्केटिंग गिमिक है ना मुझे उससे डर लगता है। मैं खुश बहुत हूं कि चलो एक केस में बेल हुई है, बेल नॉट जेल रीटरेट हुआ है, कंडीशंस जो थी उनकी क्लैरिटी हुई है, पर आप एक गलत इंटरप्रिटेशन नैरेटिव ना दें क्योंकि उससे ना लॉ सफर करता है। और लास्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जो जज साहब ने एक बात बोली केज्ड पैरेट वाली, ये 1985 या 1989 से बोली जा रही है, वो कांग्रेस के जमाने में भी बोली गई थी, वो बीजेपी के जमाने में बोली जा रही है, कोई और सरकार आएगी तो अनफॉर्चुनेटली तब भी बोली जाएगी, क्योंकि सीबीआई की जो अपना अस्तित्व है वो अंडर चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ही है कि सीबीआई एग्जिस्ट भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, वही क्वेश्चन आज तक सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहा है और कोई भी सरकार उस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, इसलिए सीबीआई काफी दब के काम कर रही होती है। तो इस बारे में बोलना कि अरे बोल दिया केज्ड पैरेट है, ये तो पहले से बोला जा रहा है, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, और हर सरकार हर नेता के सामने बोला जा रहा है, और सीबीआई अनफॉर्चुनेटली काफी दबाव में काम भी करती है, हमने देखा भी हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो आज की डेट पे ये है कि पीएमएलए के केस में जज साहब ने सिसोदिया के केस में दूसरे केसेस में बोल दिया बेल नॉट जेल, आज इस बात को रिटरेट करा। जो दूसरी ऐतिहासिक बात है वो ये बोला कि अगर जो बड़े केस में जो ज्यादा डिफिकल्ट केस है उसमें अगर बेल हो जाती है तो प्रेडिकेट ऑफेंस जिससे ये निकला है उसमें भी बेल होता है। कविता साहब आपने काफी कानूनी पहलुओं पर दृष्टि दे दी, अब एक मुद्दे की बात आपसे सीधे वकील के तौर पर पूछता हूं, ये मानते हुए पूछता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल की ओर से केस लड़ रहे हैं, जिस मामले में ईडी ने केस दर्ज कर रखा था और ईडी ने तसल्ली से जेल में रख लिया था, जैसे ही ईडी से जमानत पर निकलने के हालात बने वैसे ही सीबीआई के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया, यह आरोप है आम आदमी पार्टी का, यह आरोप है अरविंद केजरीवाल का। आपने तो पूरी कहानी को देखा है, क्या कहते हैं बतौर लॉयर आप, सब कुछ एक दोषी को दोषी ठहराने के लिए था, यह एक आदमी जेल में है बाहर ना आ जाए इसके लिए था? देखिए इसका ना मैं ऐसे आंसर दूंगा कि एक इंग्लिश कहावत है और हिंदी में हमारे पुराने दिल्ली की कहावत है, सुप्रीम कोर्ट में बात पूरी हो जाए जी, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में पुरानी दिल्ली में बोलते हैं अगर अब्बा भी तेरा तो टप्पा भी तेरा,
तो जो जो आज की ये बात बोली जा रही है कि देखो सीबीआई ने अब अरेस्ट करा, तो देखा जाएगा कि पहले किसी केस में भी क्या सीबीआई ने ये करा है, और अगर करा है तो और तब क्वेश्चन नहीं उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट पे मैटर गया, तो आज क्यों उठाया जा रहा है? और अगर उठाया जा रहा है तो एक सिस्टम बना दीजिएगा कि भैया ये देखो कपिल सागला साहब, मैंने आपसे पूछा था सवाल ये कहते हुए कि मान लो आप अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे हो, अब अगर आप जैसे वकील अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐसे पैरवी करें तो अरविंद केजरीवाल जिंदगी भर जेल में ही दिखेंगे। आप उनकी मदद करने के स्थान में उनकी खिलाफत में उतर है। उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक लॉ अच्छी बनती है किसी के लिए भी तो वो कॉम्पमैन के लिए भी होनी चाहिए। जहां तक केजरीवाल के लिए है, उन्होंने जो टर्म निकाला कि इंश्योरेंस अरेस्ट, ये अपने में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी थी आर्ग्यू करने की। हैट्स ऑफ, बहुत ही सीनियर वकील हैं हमारे, वन ऑफ इंडियाज बेस्ट लॉयर हैं, तो जिन्होंने आर्ग्यूमेंट करी उससे बढ़िया आर्ग्यूमेंट नहीं करी जा सकती थी। मैं सिर्फ एज अ लॉयर ये कहना चाहता हूं कि अगर सीबीआई ने पहले ये करा तो ये हमें पहले ही एक रूल बना देना चाहिए था, और अगर नहीं बना तो आज बहुत अच्छा मौका है कि बाकी जनता के लिए भी ये रूल बन जाए कि भैया अगर एक में अरेस्ट हुआ है तो आप लास्ट मोड में सीबीआई दूसरे में अरेस्ट नहीं कर सकती, करेगी तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तो उसका रीजन देना पड़ेगा। कपिल सागला साहब ने काफी पहलुओं पर हमें रोशनी दे दी है। मुझे आना है मुकेश जी के पास में, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को लगा कि कपिल सागला जी जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हस्तक्षेप किया जाए। सुरेंद्र जी का हस्तक्षेप, दो चीजें बड़ी चीज है कि अच्छा हुआ अरविंद केजरीवाल ने इनको वकील नहीं रखा, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में रहते, इसमें तय है। तो एक बात तो ये हो गई, ये तो लाइटर नोट पर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वकील साहब अगर पहले नहीं कहा, पहले गलती करी तो बाद में भी गलती करते रहोगे, बाद में गलती का सुधार नहीं करोगे, ये कौन सी वकालत है, नंबर एक। और नंबर दो कि हमको 2014 से 24 तक केस पैरेट कांग्रेस के सीबीआई को कहा, कांग्रेस की सीबीआई को कहा, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया, तब तो नहीं आ पाए हमको बचाने के लिए या सीबीआई को बचाने के लिए कि पहले से कह रहे। और आज की डेट में आज केस पैरेट लिख दिया, ऐसा पता चला मेरे को, लिख दिया तो उसके बाद आपका पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम डेवलप हो गया कि पहले भी कहते रहे थे, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये सब चीजें देखो साहब, या तो किलो में तौल लो या लीटर में माप लो, कुल मिला के संसार होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूं असल व्यक्तित्व के पास, नाम है उनका मुकेश त्यागी, लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े और ऐसे मौके पर जुड़े हैं जब समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें क्या। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, त्यागी साहब क्या कहते हो आप, कितना परेशान हो आज आप, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। हम माननीय सुप्रीम डॉक्टर हिमांशु आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग, और आपसे बहुत दिनों के बाद मेरा वार्तालाप हो रहा है, मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत चहेते पत्रकार हैं और बहुत अच्छा टेलीविजन जर्नलिज्म आप करते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है आपके। धन्यवाद मुकेश भाई। देखिए हम किसी विडंबना में नहीं है, हम बहुत स्पष्ट है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे सर आंखों पर है, और इसकी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ हम भारतीय नागरिक का अधिकार है कि किस प्रकार की इसकी टिप्पणी की गई। अभी वकील साहब ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करी और मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक एक मुद्दे को साफ रखा है। अब वो ठीक है इनको पॉलिटिकल कन्वीनियंस में इनको सूट नहीं कर रहा है तो ये उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये तो वकील के ऊपर निर्भर करता है, वो भाजपा की पैरवी करेगा कि आम आदमी पार्टी की पैरवी करेगा, जो हायर करेगा उसके अनुसार तर्क देगा। कपिल सागला साहब को जो ठीक लगा उन्होंने कहा, नहीं अब तक इनका बिल बनता था बहुत मोटा, अगर आपको ये कंसल्टेशन देते तो आपको तो फ्री में आनंद मिल रहा है इनकी ज्ञान का। तो मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु, देखिए ऐसा है कि ये कहते हैं कि रक्षक जो है जब भक्षक बन जाता है, अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे आप तो बहुत बहुत देर बाद आएंगे। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु कि देखिए आप इनकी उत्पत्ति देखिए, आप पार्टी की, आप पार्टी में केजरीवाल जी को रेमन मैगस ऐसे अवार्ड मिला किस आधार पर, कि इन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और उनको एक बहुत बड़ी संस्था ने रेकमेंड किया और उनको अवार्ड दिया। तो एक ईमानदार छवि को लेकर के इन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया। अन्ना हजारे जिनकी जो छवि है मैं समझता हूँ पूरे देश और विदेश के अंदर है कि बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है और उनकी ऑनेस्टी ही उनकी ऑब्जेक्टिव है, वो उनके कार्यकलाप से दिखाई देता है। उसका आधार लेकर के उन ये राजनीति में घुसे और जो है पूरी कांग्रेस सरकार को ललकारा। इनके खिलाफ किसने कंप्लेंट करी, अजय माकन ने और अनिल कुमार चौधरी ने 22 जून को इनके खिलाफ।
जो राजपूत जी जो हैं वो बिना कचौरी खाए गवाही भर रहे हैं, हरियाणा में वो उनको अपने साथ नहीं खड़े होने देते, और उनके प्रति जिस प्रकार की मैं संवेदना और सहानुभूति देख रहा हूँ वो बड़ा सराहनीय है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये शायद आप पार्टी में जाने की हो सकता है कुछ प्रयास कर रहे हो आप परोक्ष रूप से, तो इस प्रकार की बातें करना कि भाई मुझे तो बड़ा अचंभा लग रहा है कि हरियाणा में तो आपको कहीं खड़े नहीं होने दे रहे आसपास वो आपको, तो आपने एक दूसरे को गाली गलौज करके क्या किया, इसके अलावा पंजाब में किस प्रकार से गाली निकाली है आपके लोगों को, आज आप उनके साथ जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो इसके पीछे या तो आपकी कोई संकीर्ण राजनीति है या आपका कोई संकीर्ण परिप्रेक्ष्य है। अच्छा जहां तक मतलब मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल जी का एक ही शेर आता है कि वादा था पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की, तो उनका जो पूरा बैकग्राउंड निकला है डॉक्टर हिमांशु बहुत एक ईमानदार छवि वाले इंसान का निकला है। उन्होंने क्या किया है, लोग साथ धोखा देकर के आपने शीशमैन भी देख लिया, किस प्रकार से उन्होंने पब्लिक मनी को वहां पे इन्वेस्ट किया है, किस प्रकार के पर्दे, किस प्रकार के टॉयलेट्स, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति उस प्रकार के वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ हर प्रकार से छल किया है, यू टर्न लिया है। अन्ना हजारे बोले मैं किसी राजनीति में नहीं जाऊंगा, ये राजनीति में आए, बोले मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन, मैं त्यागी साहब थोड़ा माफी के साथ बीच में रोकना चाहता हूँ, इन सारी दलीलों के साथ में जनता के बीच जा चुके आप लगातार और ठीक से निपट चुके आप लगातार। अपन मुद्दे पर आते हैं, अरविंद केजरीवाल को एक ही मामले में दो बार गिरफ्तार करके जेल में बंद रखने की कोशिश की गई, उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, यह आपके ऊपर संजीदा किस्म के आरोप है। अरविंद केजरीवाल को जनता के स्तर पर, आम आदमी पार्टी को जनता के स्तर पर आप दिल्ली में जब नहीं हरा पाए हैं तो सरकार का एक एक नाखून और एक एक दांत आप उखाड़ दे रहे हैं उपराज्यपाल को शक्ति संपन्न करते हुए। लगातार आप वो आदेश निकाल रहे हैं अध्यादेश के रूप में जिसके माध्यम से एक चुनी हुई सरकार निस्तेज सरकार में तब्दील हो जाए, और इन सब कोशिशों के बीच आज अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेता इसे न्याय की जीत के रूप में बता रहे हैं, इसे आने वाले समय में बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा इस पर कहिए ना, थोड़ा इस पर बोलिए ना, कहां आप अन्ना हजारे, कहां आप जो है टॉयलेट, ड्राइंग रूम, बेडरूम में फंसे हुए हैं, इस पर आइए ना। जी देगी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु कि देखिए इनका कोई चार्जेस क्वाश नहीं की है, ये क्वाश नहीं हुए चार्जेस, जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये पटाखे भी बजा रहे हैं प्रदूषित दिल्ली के वो लेकर के वहाँ पटाखे भी बजा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो ये तो इनका समर्पण है दिल्ली की जनता के लिए। मैं फिलहाल मुद्दे पे आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी का चरित्र के बारे में मैंने इसलिए बताया कि जो व्यक्ति चरित्र के आधार पर राजनीति के अंदर एक्टिव सक्रिय राजनीति में घुसा हो उसका चरित्रहीनता आप देखिए किस प्रकार से वो भ्रष्टता। अब एक प्रकार से अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है इनको जेल में डालने के लिए, इनको जेल में सड़ाने के लिए, ये हमारी साजिश है, तो मैं समझता हूँ अपरोक्ष रूप से आप तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके आधार पर ये जेल गए उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें हाईकोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें ट्रायल कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व है, उनकी पूरी प्रक्रिया भी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो दो जजेस डिविजन बेंच का ऑर्डर आया है आप देख लीजिए, उन्होंने कहीं पे भी एलिगेशन को डाइल्यूट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है इनके इनके खिलाफ वो, लेकिन एक जस्टिस कृष्णा अय्यर का था कि भाई जेल जो है वो अपवाद है और बेल आपका राइट है, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने कहा इनकार्सरेशन बहुत लंबा हो गया है इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये मुक्त नहीं हुए हैं, ये हो सकता है जिस प्रकार से कथन दृष्टा एविडेंस इनके खिलाफ है डॉक्टर हिमांशु, ये बहुत जल्दी इनके कन्विक्शन भी हो सकता है, तो आप अगर और कन्विक्शन भी बड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि चार्जेस बहुत संगीन है, तो मैं समझता हूँ ये तो हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के कगार पर खड़े हों और ये किसी भी पद को लेने लायक नहीं, और दिल्ली की जनता इन पर ट्रस्ट करेगी क्योंकि इनके चार्जेस बहुत खतरनाक है। देखिए इन्होंने क्यों शराब पॉलिसी विड्रॉ करी, अगर उसमें कोई फ्लॉ नहीं था तो क्यों विड्रॉ करी आपने, कविता जेल में गई, इनके संजय सिंह जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, तमाम न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे गए हुए हैं, अगर ये कहना कि सब भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है तो मैं समझता हूँ प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की और तमाम उन जुडिशियल प्रक्रियाओं की जिसके आधार पर ये जेल गए और लंबा गए हैं जेल के अंदर, तो ये कहना कि साहब इसमें
देखिए कोई भी आदमी गलत वो लगाएगा वो जल्दी छूट जाएगा, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और यही अगर केस हमारा होता, हमारे किसी आदमी को बेल मिल जाता, तो मैं कह रहा हूं ना तो राहुल गांधी ना आप वाले पार्टी कहते कहीं जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज है। तो ये जब इनको मौका मिलता है तो ईवीएम को गाली दे देते हैं, जब दिल्ली में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की इनकी आप एक आखिरी सवाल का जवाब दो मुकेश जी, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते थे तो भी आप बहुत परेशान रहते थे, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, कितने परेशान करेंगे आपको? जी जी मुकेश जी, जी मुकेश जी हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है, ये तो खुद ही परेशान होने वाले हैं। आप देख लीजिए हरियाणा में इनकी जमानत जब्त होने वाली है, भाई हरियाणा के चुनाव में बहुत सक्रिय हो रहे हैं और सुरेंद्र राजपूत जी बिना कचौरी खाए गवाही भर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको जल्दी पता लग जाएगा हरियाणा के चुनाव में उनके वो कितने पानी में है। तो इस प्रकार का सेलिब्रेशन करना मैं समझता हूँ। एक बात बताओ, ये हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सक्रिय होना आपको फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? आप इस बात से ही तो उत्साहित नहीं, अच्छा है बाहर आ गए, अब सत्ता विरोधी वोटों के संदर्भ में बंटवारे की संभावनाएं बेहतर होंगी, इसलिए हरियाणा में भाजपा को सत्ता में बने रहने में सहूलियत हो जाएगी, कांग्रेस की संभावनाएं कुछ धुंधला जाएंगी, क्या कहते हैं मुकेश जी? देखिए हम नहीं, हमारी हरियाणा में बहुत राजनीतिक पकड़ है, बहुत मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे कितने मजबूत हो, अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, 10 की 5 सीटें रह गई मुकेश त्यागी जी, आप अपने ही आंकड़ा भूल जाते हो, आप तो ऐसे ना थे, आप ऐसे कैसे हो गए? राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, अब दिल्ली में ये आप वालों ने असेंबली में जीते, हमने साथ ही साथ दोबारा पुनरावृत्ति की दिल्ली के अंदर, तो इस प्रकार के मतलब जो कोई वो ट्रेंड्स नहीं होते, बट मे बी यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट, बल्कि हो सकता है हमारे लिए आंख खुल गई हो और हमने उस मेहनत करेंगे और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये जो हार हुई थी बीच में, हार भी नहीं थी पर जो भी आंशिक रूप से आंख अगर आपकी खुली होती तो पिछले विधानसभा चुनाव में आप जो है 40 सीटों पर रह गए थे, तो 10 की 10 इस बार जीतनी चाहिए थी, आंख तो आपकी मुंद ही रही कहीं ना कहीं, विचार कीजिएगा मुकेश जी। लेकिन मैं आना चाहता हूं राजकुमार सिंह जी पर, राजकुमार सिंह जी के साथ में मुझे सहूलियत यह है कि उन्हें तटस्थ राय देनी है, क्या कहते हैं राजकुमार जी आज की जमानत के फैसले के साथ आम आदमी पार्टी को संजीवनी प्राप्त हुई है या समस्या प्राप्त हुई है? एक ऐसा नेता जिसके हाथ बांध दिए गए हैं, पैर बांध दिए गए हैं, मुंह पर टेप लगा दिया गया है, बाहर ला दिया गया है, ऐसे नेता के साथ में आम आदमी पार्टी क्या कर लेगी? दिल्ली में सरकार जिसके मुखिया के पास में कुछ करने के लिए अधिकारी नहीं है, जन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेगी? क्या कहते हैं आप, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई? और हिमांशु जी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिलेगी जी, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि यह जो कंडीशनल बेल है यह कंडीशन जब इंटरिम बेल मिली थी उसमें भी थी जी, और अरविंद केजरीवाल की जो बड़ी भूमिका हम देखते हैं आप भी शायद सहमत हो उससे जी, सरकार तो मनीष सिसोदिया चला रहे थे जी, अरविंद केजरीवाल की भूमिका आम आदमी पार्टी में भी और सरकार में भी मोटे तौर पर राजनीतिक रहती, तो उनकी जो भूमिका होने वाली है वो चाहे अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो या फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो, उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पर अगर ये कंडीशंस नहीं होती, जैसा हम कह रहे हैं कि उनके हाथ बांध दिए पैर बांध दिए, तो शायद वो उस तरह का विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाते जो अब खेल पाएंगे जी। तीसरी बात, जो आपने बहुत शुरू में सवाल उठाया, बाकी लोगों ने भी उस पर टिप्पणी की कि बीजेपी चाहती है कि नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका तो निर्वाह कर नहीं सकते वो जी, और एक मामले में आरोपी है। अगर आपको याद हो पीएमएलए केस में ही इसी देश में एक और घटना हुई, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए जी, उन्होंने नैतिकता दिखाई, वो अरविंद केजरीवाल की तरह जिद कर सकते थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जल्द से सरकार चलाऊंगा, उन्होंने नैतिकता दिखाई इस्तीफा दिया, अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, अंतिम परिणति हमने क्या देखी,
चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए वह बहुत बड़ा हथियार बन गए, इतने कारगर होंगे वो चुनाव विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। तो शायद अरविंद केजरीवाल ने अगर वो जिद की तो जेल से भी सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं वो राजनीतिक आशंका रही होगी कि उसके बाद पार्टी को तोड़ना आसान हो जाए। तीसरी बात, जो सीबीआई की भूमिका की बात हो रही है और दोनों जजों ने अलग अलग टिप्पणी की, उस पर तो फाखला साहब विस्तार से कह चुके हैं कानूनी पहलुओं पर। अक्टूबर 2013 में कोयला घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था जी, और अब 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट को फिर यह कहना पड़ रहा है कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की धारणा से बाहर निकलना चाहिए, तो क्या वही स्थितियां हैं? तो क्या पिछले 10 साल में या 11 साल में कुछ नहीं बदला? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी सोचना विचार करना चाहिए। आपने खुद कह दिया कि जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं उसमें कुछ भी गलत नहीं देखता कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर, नियमों की दृष्टि से उनकी व्याख्या बिल्कुल सही होती, लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से देखिए तो क्या सीबीआई की मंशा भी सही थी? क्या मंशा वही नहीं थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि भाई एक जगह से जमानत मिली तो बाहर तो नहीं जाने देना, दूसरी एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जमानत जमानत है, अरविंद केजरीवाल कोई बरी नहीं हो गए। अरे राजकुमार जी, एक बात का उत्तर दीजिए, ये अरविंद केजरीवाल इस देश में नई राजनीति शुरू करूंगा इस ऐलान के साथ आए थे और किसी नेता को नहीं छोड़ते थे जिसको भ्रष्ट नहीं बताते थे, और साथ में ये बताते थे कि मुझे मौका मिला तो जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप होगा वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेगा, ये बात कहते थे। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है पर इसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या माने 10 साल में अरविंद केजरीवाल लोगों को बदलने के लिए निकले थे, राजनीति को बदलने के लिए निकले थे, पर उन जैसे हो गए जिनको बदलने के लिए निकले थे? कैसे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का जो क्षेत्र है या राजनीति का जो खेल है, खेल साइज ज्यादा सही शब्द होगा, जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं उसमें उसका चरित्र यही है। मेरा ख्याल है शायद इकोनॉमिक्स में ग्रेसम की थ्योरी थी कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर दे। जी, राजनीति के संदर्भ में आप इस तरह देख सकते हैं कि जो खुर्राट राजनेता हैं, जो उस पेशेवर राजनेता हैं, वो परिवर्तनकारी नई तरह की राजनीति करने वाले लोगों को बाहर कर देते हैं या फिर उनको अपने जैसा बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो लिस्ट लेके बैठते थे 2012-13 में और गिनाते थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, आरजेडी भी थी, एनसीबी थी, और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी इंक्लूडिंग बीजेपी, नितिन गडकरी भी थी उसमें, जिसके नेता उसमें भ्रष्टाचार की सूचियों में ना, उनमें से कई से तो उन्होंने मानहानी के मुकदमे दर्ज होने के बाद माफी भी मांग ली, और जिनसे माफी नहीं मांगी उनसे गलबैया करते हुए गठबंधन की राजनीति में एक साथ एक मंच पर। तो ये राजनीति का चरित्र है। इसमें जो नैतिकता की बात अभी हम लोग कर रहे थे, मुझे लगता है राजनीति में नैतिकता और चरित्र की बात, अगर ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस उम्मीद को देश में शुरू किया था उस उम्मीद की लौ बुझ गई है, भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर डॉक्टर मानवी छिल्लर आपके पास आना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप करोगे क्या, जिस कांग्रेस को नागनाथ, जिस भाजपा को सांपनाथ बताया करते थे, किसको दूध पिलाने की तैयारी में रहोगे आप, क्योंकि अब तो बड़ी मुश्किलों में हो। देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी के सामने कोई मुश्किल नहीं है। जब जब आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां आई हैं, आम आदमी पार्टी उन चुनौतियों को पार करके और ज्यादा मजबूती से सामने आई है। पिछले 10 साल में आप देखिए कि सबसे ज्यादा जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी है जी। इसके साथ ही देखिए कुछ बातें डिस्कशन में फैक्ट्स रखे हैं, मैं उनको एक दो फैक्ट्स को जो है ना दुरुस्त करना चाहूंगा। जरूर। ये कहा कि बिना शक्तियों के वो फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, बिना शक्तियों के हैं, तो केजरीवाल जी ने
मंत्रियों की नियुक्ति की हुई है, मंत्री अपने विभाग का कार्य करते हैं, तो केजरीवाल जी अपने मंत्रियों को कोई भी दिशा निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है, उस विभाग के लिए कोई भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल शैल नोट शाइन फाइल अनलेस इट इज नेसेसरी, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ही कैन नॉट साइन। तो जो फाइलें एलजी के पास जाने के लिए जरूरी है उनको, उनके ऊपर उनको साइन किया है तो वहां भेजी जाएंगी, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि केजरीवाल जी की कलम की ताकत को कोर्ट ने ले लिया है उनके पास उनकी कलम। एक मिनट, इसमें मैं कपिल सांगला साहब की जरा टिप्पणी चाहता हूं, इस आदेश को समझाओ मुझे। अरविंद केजरीवाल उन फाइल पर साइन कर सकते हैं जो जरूरी है, तो भाई फाइल तो उसी पे साइन किया जाता है जो जरूरी होती है, थोड़ा हमें समझाओ ना, हमारी तो मोटी बुद्धि पे समझ में नहीं आ रहा कमल साकला साहब। देखिए डॉक्टर साहब, छिंदर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हाउएवर उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते, एक होता है रूल और एक होता है रूल से एक्सेप्शन, तो अगर रूल से एक्सेप्शन वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल में साइन करते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन वो दिखानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मन को भाया मैंने कर दिया, और ये भी नहीं हो सकता मुझे जरूरी लगा मैंने कर दिया, देयर हैज टू बी अ कोजेंट रीजन। तो जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पर वो जो मापदंड है वो क्लियर नहीं है। तो वो एक एक सुप्रीम कोर्ट में ना एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं वेंट्सबरी प्रिंसिपल, वो कहते हैं व्हाट अ रीजनेबल मैन विल थिंक, तो वो प्रिंसिपल के मापदंड पे ये चेक होगा। तो ये इस वजह से ये बोलना कि वो साइन ही नहीं कर सकते भी गलत है, पर वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे साइन कर सकते हैं, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये होना चाहिए कि और कोई भी राउट अवेलेबल नहीं था इसलिए करना पड़ा, जैसे कहीं पे कुछ गिर जाता है, कोई बहुत ही कुछ ऐसी चीज हो जाती है, आपदा आ जाती है, तो वहां पे अगर वो नहीं साइन करे तो कुछ और बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, वो एक अलग सिचुएशन, पर एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं साइन कर सकते। और क्योंकि आपने मुझे मौका दिया, मैं सुरेंद्र जी को बस एक जल्दी से बात बोलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एज अ लॉयर मुझे कुछ बोला था, मैं उनको बस याद दिला दूं कि मैं कांग्रेस का भी लॉयर रहा हूं यूरिया स्कैम के समय से, और गोपाल जी का भी लॉयर हूं, तो उनके काफी सारे नेताओं की भी बेल मैंने कराई और मैटर भी मैंने करे, तो मैं ना इधर हूं ना उधर हूं, मैं सिर्फ कानून के साथ हूं, तो ये बस वो याद कर ले, थोड़ा देख ले तो बढ़िया रहेगा। ना उन्हें उम्मीद थी कि आप थोड़ा केजरीवाल जी की तरफ से भी पैरवी कर दोगे, अब केजरीवाल जी ने आपको हायर नहीं किया तो आपको क्या पड़ी है कि आप केजरीवाल जी की पैरवी कर दो, जब तक वो हायर नहीं कर रहे। बहरहाल महत्वपूर्ण बात है, हम का निर्णायक बिंदु पे पहुंचे, तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का जमानत पर बाहर निकलना देश की सियासत में फिर से एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बनेगा। बदलाव का कारण इसलिए बनेगा कि पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ही राजनीति की धुरी रहे। पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते जो रिक्तता आई थी, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल उसकी भरपाई कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल को एक दागी के तौर पर जनता के बीच स्थापित करेगी, या अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक पीड़ित राजनेता के तौर पर जनता के बीच में स्थापित कर पाएंगे, और अरविंद केजरीवाल की इन कोशिशों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस रूप में उन्हें देखेगी। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इस कार्यक्रम में खड़े सुरेंद्र राजपूत, क्या अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में सक्रियता को लेकर भी उतना ही खाली बिछाते हुए दिखाई देंगे, सवाल है। सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है कि उन्हें एक हस्तक्षेप कर लेना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, समय सीमित है पर आपको हस्तक्षेप का मौका है। तीन चार चीजें मैं आपको बताऊं, बड़ी साफ साफ कहता हूं। एक तो हिमांशु जी, शेर आपके लिए है, कहते हैं कि तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूं, मैं तेरे दोस्तों में हूं कि तेरे दुश्मनों में हूं। दूसरी बात, अभी क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो बातें बड़ी आपत्तिजनक मेरे हिसाब से कही, वो शायद मुझे जानते नहीं, कह रहे थे कि साहब ये आप पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साहब, तीन पुश्तों का कांग्रेसी हूं नंबर एक, और बड़ा भाजपा के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि मुझे लेना चाहती, तो मैंने भाजपा के लिए कहा था कि जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। एक बात इन्होंने बड़ी स्पष्ट कही भारतीय जनता पार्टी ने कि साहब ये राजनीतिक रूप से चरित्रहीन लोग हैं। तो राजनीतिक रूप से सबसे बड़े चरित्रहीन तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सबसे बड़े नेता, आप इस चीज को देखो ना,
बीजेपी बड़ी बड़ी राजनीतिक चरित्र की बातें करके, राष्ट्रवाद की बातें करके, पीडीपी से समझौता करके 4.5 साल तक की सरकार चलाती है, बड़ी बड़ी चरित्र की बात करके चरित्रहीनता करती है, अजीत पवार को खजाना मंत्री बना लेती, हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ दो दो ट्रक वो लाते हैं उसको मुख्यमंत्री बना लेती। तो ये चरित्रहीनता की बात अगर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो बात बहुत लंबी तक जाएगी। पर सुरेश जी एक टिप्पणी इसमें कर दो ना, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की सक्रियता कांग्रेस की संभावनाओं को कितना बेहतर करेगी, कितना उजाला कांग्रेस की संभावनाओं के संदर्भ में करेगी। देखिए हिमांशु भाई, मैं आपको बता दूं, बहुत साफ सी बात है, लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टी के साथ सबको लड़ने का अधिकार है। हरियाणा में परिवर्तन की आंधी हो है एक बात, और हरियाणा में 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरीके से दो ध्रुवीय चुनाव है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, दो ध्रुवीय चुनाव है, बहुत स्पष्ट चुनाव है। हरियाणा में परिवर्तन की आंधी चल रही है, हमारी जो है पूरी तरीके से सरकार बनेगी और हम लोग 60 से आगे 70 75 80 82 85। सवाल ये इसलिए था सुरेश राजपूत जी, हरियाणा का बेटा है अरविंद केजरीवाल, जमानत पर छूट गया है इन चुनाव के दौरान, ऐसा तो नहीं ये जमानत भाजपा को भारी पड़ते पड़ते कांग्रेस को भारी पड़ जाए, क्या कहते हैं? नहीं देखिए, तो मैं बहुत साफ है, मुझे जनता के विवेक पर पूरा भरोसा है और वो जनता का विवेक बहुत क्लियर है, नीरछीर वो क्लियर करती है। जनता का विवेक क्लियर है, हरियाणा में बदलाव की बयार है और बदलाव की बयार के साथ में सुरेंद्र राजपूत को भरोसा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है। मुकेश तिवारी जी को लग रहा है मुझे भी मौका दे दो। जी मुकेश जी। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छे वक्ता है, सफल वक्ता है, लेकिन अगर यही काल्पनिक रूप से हरियाणा का चुनाव होता और उस पर आपकी ये डिबेट होती तो आप इनकी जो तकरीर थी वो बिल्कुल उल्टी होती है, आपने इतनी कमियां निकाल के देते कि इनको तार तार कर देते। तो अभी आप देखते जाइएगा, अभी तो आगे चुनाव के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, आप इनके वक्तव्य देखते रहिएगा। हाँ, तो समय वक्तव्य आएंगे, पर आज के समय पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े सुरेंद्र राजपूत जी विपक्ष के नेताओं का गठबंधन है, विपक्ष के नेताओं की एकजुटता को देखकर आप इतने परेशान क्यों है? महत्वपूर्ण बात यही है कुल मिलाकर कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ में सियासत में एक नई तलखी, एक नया तेवर देखने को मिलेगा, हमें उस तलखी और तेवर को लिए तैयार रहना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।